गाइस, तो अभी मम्मी कर रही है गेहूं की धुलाई, क्योंकि आटा शायद ख़त्म होने वाला था। तो मम्मी ने सोचा गेहूं धो डालते हैं। तो मम्मी हमेशा नहाने से पहले ही गेहूं धो डालती है, उसके बाद नहाती है। तो आज मम्मी को थोड़ा सा लेट हो गया नहाने में, तो आज भैया जी पहले नहा लिए थे मम्मी से, तो उन्होंने सोचा मैं ही पूजा कर देता हूँ। उठाओ ले जाओ। ये कहाँ अंजुना माई का ऐसा खुला दही रहो, कब बांधो कि इतना बरक तो नहीं, कम करो, कम कर ले थोड़े से। तो गिराओ, रुको मार, हाँ दे रहो। पहले हम एकदम भरा था, इतने याद है अब भरे भर दिन ने भी, हाँ लगा दिन का। चलो ले जाओ, तुम काम करो। अबे इतना पकड़ी कैसे हम ले जाएंगे, जैसे पकड़े ले जाओ। ठीक गाइस, इतने गेहूं डालने में दोनों को लड़ाई देख लो कैसी हो रही है। ऊपर तो खिंचा दिया, कर ले जा चुप्पे। अरे ऊपर तो खिंचा दिया यार, क्यों सब ना ड्रामा करो। चलो जी, चंचल तुमका मां कसम, चलो चलो उठाओ, कमल जाओ। आधी बढ़िया नहीं, तुम ले जाओगा, हम ले जाएंगे, जैसे मर्जी वैसे ले जाओ। चलो जाओ, तो मऊ ना ले जाइए, बस ही आओ एक भर के धरो साहब। नहीं नहीं, बस एक ही बोरी डाले के आओ, यहाँ डाल दीजिए, आओ ये जमीन में डाल दीजिए, मतलब कि अरे तो यहो, अरे पतले रहे जल्दी सूख जाइए। तो का भी दे, आटा खत्म हो गया है, तुम उठाओ। तुम चिल्ला, अगर वही चिल्ला नहीं तो मार तू पंजरी पर, यह सोच ली नो यार। देखो हाँ, देखाओ ना, लड्डू गोपाल रहा था देखो, घर वालों का मार गुस्सा चिल्लाए तो सही पे रख ली। देखो घर एक मंदिर है, सब एक देवता है, रिस्पेक्ट एवरीवन एंड ट्रीट विद हैप्पीनेस, समझो। लो अयो का किनो तुम, चलो जाओ जाओ, पर पहले आ जाओ। चलो तो आराम से ये बोलिए क्या, ये जरा डाल दो, ये क्या काम करते हो, अच्छा लग रहा है। उड़े जब जब जुल्फे तेरी नहीं, ये तो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। हाँ आओ बनो तो आओ। और एक ये फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, लो भागो। तो गैस गेहूँ मैंने फैला दिया है, और बाकी के गेहूँ पड़ेंगे नीचे यहाँ पर, ये देखो। हे भगवान, इतनी आसानी लड़का बच्चा कहाँ टिक जाती, धुला नहीं रहा जमीन में जगह। चलो धो कोमल, वेपर से धो के डाल दो, सूख जाए फिर गेहूँ फैला के। उठियो उठ, उठो ले फोन पकड़ो, हम फेंक रहे ने, पक्का फेंक दे बे। ना ना ना, ऐसा कैसे, जिम्मेदारी है तुम्हारा न लायक। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज की शुरुआत हो रही है चाय से, तो अभी सुबह की चाय हमारी पक रही है, ये देखिए। और सुबह का तो समय है, सबके यहाँ चाय बनी रही होगी, नहा लिया फिर भी नींद चढ़ी के, ये देखो। पर कटी, जिसके बाल कटे होते हैं उसको पता है सब लोग क्या कहते हैं, पर कटी कहते हैं। तो गाइस, हमारा चाय पानी हो गया, उसके बाद मम्मी बना रही थी पूड़ी और मैं कटहल की सब्जी कट कर रही थी। और उसके बाद आज हम लोग को जाना है गुरपकसगंज चौराहे कुछ सामान खरीदने के लिए। भाई साहब पूरा आंगन गंदा कर दिया, आंधी चल रही है ऊपर, ये देखिए फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा, सुबह सुबह लगाई गई थी, सारे गंदा कर दिया यार, बहुत तेज आ रही। मम्मी कितनी गोरी लग रही हो आप, सच्ची मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत गोरी लग रही हो। और बताओ इस आंधी का क्या होगा, वो देखो पेड़ दिख रहा होंगे आपको, हिल रहा है कितनी जोरों से, हमारा आंगन पूरा खुला हुआ है, पूरा गंदा, पूरा गंदा, आंखों में तो मिट्टी आ रही, भर गया आंखों पर। तो मैं और आकाश जा रहे हैं गुरपकसगंज चौराहे, और हमें सामान खरीदना है मम्मी के दुकान का, और क्या कहते हैं कुछ राशन का सामान। उसके बाद फिर हम अर्शी के घर भी जाएंगे, क्योंकि अर्शी की मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हाथ में, तो वही देखने जाएंगे।
भाई साहब दिखाई। तो जैसे कि मैंने बोला था मम्मी की दुकान का सामान लेना था, तो हमें चूड़ियाँ लेनी थी और हम चूड़ियों की दुकान पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी, क्या ही बताएं। तो अभी हम लोग चूड़ियाँ खरीद लेंगे, उसके बाद फिर हम मारुषि के घर जाएंगे, उसके बाद वापस जाने के टाइम हम लोग राशन भी खरीद लेंगे। तो बस इतना ही काम था हमारा आज चौराहे आने का। बोल दिया जो भी लाने बोल दिया। से भी मिल आया और उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया, कुछ बहुत देर तक ही रुके थे, कम से कम आधे घंटे तक की। उसके बाद अभी हम राशन लेंगे और उसके बाद वापस हमें घर जाना है। कैसे वही ढूंढ रहे थे यहाँ दुकान से कहाँ चले गए। तो यही बस थोड़ा बहुत सामान हमको लेना था घर का, किचन का। और भाई जी बोल रहे थे दुकानदार से कि इनको आधा लीटर चाय पत्ती दे दो। अंकल जी हंस रहे थे। सो गाइस फाइनली हम लोग सामान भी ले चुके हैं और हम जा रहे हैं वापस। और भाई जी इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे ना, ये तो मैंने डबल कर दिया, तब भी बहुत स्पीड लग रही है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहे थे। और ये हमारा गांव है, यहाँ की बहुत सारी अमियाँ लगी हुई थी पहले मैंने सोचा, पर वीडियो चल ही नहीं पाया, इतनी सारी देख के मुँह में पानी आ गया। और खेत तो सब खाली हो चुके हैं, खेतों में अभी कुछ नहीं रह गया, पर फिर भी अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, किस बात की टेंशन। और फिर मिलेंगे आपसे किसी ऐसे ही किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।